कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर नेशनल डे की काफ़ी छुट्टियाँ हमें मिल चुकी थी सब लोगों को, स्कूल की भी छुट्टियाँ थी और भाई लोग की सबकी जॉब की छुट्टियाँ थी और हम लोग ने का प्लान था कि हम कुछ इंजॉय करेंगे नेशनल डे। और फिर जो सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से इतना नेशनल डे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। हमारा प्लान था कि यहाँ पर हम जाएंगे अजमान के कॉर्नर, लेकिन इन वक्त पे हमें भाई ने कहा था कि अजमान शाहजहा का कॉर्नर खुल चुका है, अभी आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि शाहजहा का कॉर्नर काफ़ी वक्त से बंद था वहाँ पर क्योंकि काम चल रहा था। तो इस वजह से हम लोगों का इन वक्त पे प्लान बन गया था, हमने कहा चलो चलते हैं हम अजमान के शाहजहा के कॉर्नर। और यहाँ पर हम शाहजहा के कॉर्नर पहुँच चुके थे और यहाँ पर काफ़ी मौसम बहुत ही अच्छा था और मुझे बिल्कुल बहुत पसंद है ज़्यादा कि मगरिब का टाइम हो या फजर का टाइम हो, लेकिन इस टाइम हम लोग कॉर्निश की तरफ हो। और यहाँ पर हम लोग मतलब कि तकरीबन 3:30 हो चुके थे और हम यहाँ पर आए थे शाहजहा के कॉर्निश। काफ़ी अच्छा शाहजहा के कॉर्निश को बना लिया था, लेकिन समंदर काफ़ी पीछे लग रहा था और अच्छा ही था मुझे, पर ज़्यादा अजमान का कॉर्निश भी पसंद आता है पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हम लोग आए गए थे तकरीबन यहाँ पर 3:30 का टाइम हो रहा था और अच्छा ही लग रहा था, काफ़ी सारे लोग थे। मैं समझती थी पता नहीं क्या इस बार नेशनल डे पे इन लोगों ने सेलिब्रेट करना है, लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ भी प्लान कुछ भी नहीं किया था, बहुत ही खाली खाली अजीब लग रहा था और कुछ भी प्लानिंग वाले नहीं थी, लग रहा ही नहीं था कि नेशनल डे है यूएई का। और यहाँ पर पहले तो नेशनल डे होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, दिसंबर में होता है, लेकिन नवंबर में लोग स्टार्ट कर लेते हैं फंक्शन जो भी होता है कॉर्निश को पहले से स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं था। और मुझे सबसे ज़्यादा क्लिप यहाँ की वीडियो की यही पसंद आई है कि जब सूरज ग्रूव होता है, मैंने ये वीडियो शूट किया था, मुझे बहुत ही पसंद ज़्यादा आया था। और यहाँ पे बस कॉर्निश पे ये अच्छा लग रहा था, हवा ठंडी थी और मगरिब का टाइम था, ये बहुत भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जो फ्लावर थे खिले हुए, इतना प्यारा मौसम लग रहा था, पिंक फ्लावर, रेड, बहुत ही सारे मिक्स फ्लावर्स थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे हम लोगों ने अच्छी अच्छी तस्वीरें भी अपनी ले ली थी, वो मेरे आप इंस्टा पर जाकर देख सकते हैं। और ये प्यारे से फ्लावर रेड कलर, पिंक और डार्क पिंक, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बेबी पिंक, बहुत ही प्यारे फ्लावर लग रहे थे। मेरा दिल कर रहा था मैं इनकी भी अच्छी पिक्चर लूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे तो इस वजह से मैं इनकी पिक्चर्स कोई नहीं ले पाई थी, पर मैंने यहाँ पर इसका वीडियो कर लिया था। और तो यहाँ पर हमें बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिली थी, काफ़ी सारे लोग थे तो इस वजह से हम घर से कुछ लेकर भी नहीं आए थे बैठने के लिए। तो हमने कहा था कि वहीं पर बस बनाई होगी जगह, हम वहाँ बैठ लेंगे, लेकिन वहाँ पर पहले से ज़्यादा लोग मौजूद थे तो वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिली थी बैठने की। तो इस वजह से हम लोग मगरिब से पहले आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था पिकनिक के लिए, तो इस वजह से हमें जल्दी घर आना था। तो हमने कहा था कि सारी उसकी तैयारी कर लेंगे, तो इस वजह से हम लोग इतना यहाँ पर नहीं बैठे थे, मतलब कि बैठे काफ़ी सारा हम लोग घूम लिया था, लेकिन हम लोग बैठे नहीं थे बिल्कुल भी, बस चलते ही गए, बातें करते करते के कॉर्निश का काम एंड हो गया, हमें पता ही नहीं चला, फिर वहाँ से चलते चलते आ गए थे हम। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा और आपको कौन सा टाइम कॉर्निश का पसंद है ये मुझे बताइए और किस टाइम में आपको जाना पसंद है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।